करा दीजिएगा, आपको पर्सनली दुश्मनी रहेगा तो आप क्या करेगा, एब्सेंट करा दीजिएगा। आरोप नहीं, हम सब नहीं मारे, नहीं मारे, नहीं मारा गया, गलत नहीं है। मार सर को कोई हाथ ही नहीं उठाया, सर हम लोग का जो है ना जिंदगी बर्बाद कर दी है डिप्लोमा। बिना गलती का बात करने जा रहा है, यहाँ पर अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर जो धरना उसमें पास है, इसमें क्या कहते हैं प्रैक्टिकल में पूरे सब में फेल कर दिया। हम प्रेजेंट, अभी जो रजिस्टर देखेगा तो अभी देख लेगा हम प्रेजेंट है कि नहीं, वो तो देख सकता है ना। नमस्कार, नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है बने नमस्ते इंडिया के साथ। देख लीजिए हम यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के कैंपस में खड़े हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, जो आपको दिखा दें, इधर देख लीजिए बहुत सारे छात्र हैं जो धरना पर बैठे हैं। उनको प्रैक्टिकल में और इंटरनल मार्क्स में शायद कम मार्क्स मिला है, इसलिए छात्र यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं टीचरों के खिलाफ। और सामने में मैं दिखा दूँ आगे, छात्र अपने इंटरनल मार्क्स को लेकर परेशान हैं और लगातार धरना पर बैठे हैं। तो चलिए छात्रों से बातचीत करते हैं, आखिर क्या समस्या रही उनकी। सर हम लोग का जो है ना जिंदगी बर्बाद कर दी है डिप्लोमा। कैसे आपका जिंदगी बर्बाद हुआ? बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे, यहाँ यानी कि टॉपर है दूसरा कॉलेज का, ठीक, SBT टॉपर, उस 7 नंबर ज्यादा है। यहाँ पे इंटरनल में हम लोग को 6-7, यानी इसको ना बहुत ही नंबर कम है। वो टॉपर छूटा है, वो बच्चा रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, SBT टॉप नहीं कर पाया। मेरा ना सेमेस्टर बैक लग गया है, रीजन ऑफ ई प्रैक्टिकल नंबर नहीं चल दिया, सेमेस्टर बैक लग गया। ऐसे बहुत ही ऐसे स्टूडेंट है, दो बार हम सेकंड सेमेस्टर में बैक हो गया है मेरा, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट था, इसमें हम बोर्ड में एग्जाम दिए हैं उसमें पास है, इसमें क्या कहते हैं प्रैक्टिकल में पूरे सब में फेल कर दिया। हम प्रेजेंट, अभी जो रजिस्टर देखेगा तो अभी देख लेगा हम प्रेजेंट है कि नहीं, वो तो देख सकता है ना, देखेगा। उसके बाद हम इसमें फेल क्यों है, कम से कम मेरा 200 मार्क और बढ़ता, उसके बाद 545 हो जाता, तब हमको फेल कर दिया है। देखिए ऊपर में ठीक ठाक ही है, ये पास कर जाते हैं, लेकिन इंटरनल मार्क्स ना मिलने की वजह से, इन्हें एब्सेंट करने की वजह से इनकी मार्क्स फेल लिखा हुआ है, इनका रिजल्ट जो है तो फेल लिखा हुआ है। और जब फेल हो जाते हैं तो कुछ आक्रोश जरूर होती हैं टीचर के प्रति और प्रशासन के प्रति और साथ में सरकार के प्रति, इसलिए क्योंकि इनके दर्द कौन समझेंगे, एक साल इनका बर्बाद हो गया। और समस्या रहा, समस्या यही है सर कि वहाँ पर जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसमें सब नंबर आया है, और यहाँ पर जो टर्न वर्क में फेल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी लिख कर दिया गया है फिर भी टर्न वर्क में फेल कर दिया गया है। अच्छा। वहाँ से पास हो गया, कॉलेज में ही फेल हो गया इंटरनल में। अच्छा, यही समस्या है। लगातार देख रहे हैं कि टर्म वर्क में इन लोगों को नंबर नहीं मिलने की वजह से ये लोग लगातार धरना बैठे हुए हैं और इन लोगों को अनुपस्थित कर दिया गया है। यहाँ देखिए एक छात्र को यहाँ पर अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर जो धरना दे रहे थे उन छात्रों को लगातार अरेस्ट करके लिया लेके जा रहे थे। इधर दिखा दीजिए, छात्र लगातार यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे और अभी प्रिंसिपल की कार्रवाई के माध्यम से इस छात्र को इधर इधर क्या 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 वजह रहा, बिना गलती का बात करने ले जा रहा है। बिना गलती के, देखिए बिना गलती के हमको पकड़ के लिया जा रहा है, झूठ में हमको फंसाया जा रहा है, यहाँ कॉलेज से पकड़ के लेके जा रहे हैं लोग, पुलिस लोग लगातार इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। देखिए इनको, ये मामला बहुत, और यहाँ पर छात्र को पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हो चुका है, देख लीजिए। और मार, और ये देखिए, और लगातार यहाँ पर एक छात्र अरेस्ट हो गए हैं, और लगातार छात्रों पर ये जो पुलिस का पैरा है वो लगा हुआ है, और धरना भी टूट चुका है, सब छात्र लाइन में खड़े हैं। और हम और थाना अध्यक्ष के बीच हम आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ, और हम आपको दिखाएंगे कि क्या मैटर रहा GP दरभंगा का। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो छात्रों को प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिला। गलत नहीं है, मार सर को कोई हाथ ही नहीं उठाया, झूठ बोल रहे हैं ना,
उठाया तो उसको गलत आरोप बोल रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहे हैं सर, पहले बताइए झूठ बोल रहे हैं। अगर गलती करेगा तो उसका परिणाम मिलेगा, गलती करेगा तब ना परिणाम मिला, बिना गलती का उठा लीजिएगा किसी को, बिना गलती बोल रहे हैं मुंह से, बिना गलती का तो सत्यम सर, सत्यम मारे उसको सर, सर 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 सुन सर, वही किया जाएगा, सत्यम मारे उसको, सर में होता है आलोक सर, आलोक जी का पावर है कर देने का सर, आलोक जी का पावर है सर, प्रिंसिपल से बात करते आलोक जी कैसे मार लग गया हर सेमेस्टर में। ये छात्र फिर से धरना बैठ गए हैं, एक सत्यम नाम का जो लड़का है उनको पकड़ के ले गया जेल में, और ये लड़का साथ में उनके समर्थन में धरना पर बैठ चुके हैं, और साथ में इधर दिखा दे वहाँ प्रशासन विभाग देख लीजिए, बहुत दूर छात्रों से लगातार बातचीत जारी है कि सत्यम का गलती क्या है, और यहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो इन लोगों को टर्म वर्क में कम मार्क्स मिला है, और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे टीचर पर कि मुझे 14 नंबर अगर मिल जाता तो हम लोग बिहार टॉप करते, लेकिन 14 नंबर ना मिलने की वजह से ये छात्र आज बिहार टॉप के लिस्ट से बाहर है। इस मुद्दाओं पे लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए क्या वजह रहा, मतलब टर्म वर्क में कम नंबर मिला है तो आप लोग टीचर को मारे हैं, टीचर का ऐसा आरोप है? ऐसा आरोप नहीं, हम सब नहीं मारे हैं, नहीं मारे नहीं मारा गया। टर्न वर्क में क्या किया, जब मैं प्रैक्टिकल या टर्न वर्क जमा किया उसमें प्रेजेंट भी था, उसमें भी एब्सेंट कर दिया गया, तो इसके लिए हमको एक साल का बैक लग गया। टीचर का एक रजिस्टर खोजा जाए सर, उस रजिस्टर पर प्रेजेंट है, स्टूडेंट साइन भी किए हुए हैं, दिया गया को घसीटते हुए ले गया सर, मारते हुए प्रशासन खुद मारा है सर, घसीटते हुए ले गया सर जी सर, देखिए सर आप प्रशासन खुद उसको घिसते हुए मारते हुए, जैसे सर हम लोग स्टूडेंट है सर, तो हम लोग कैसे मारिएगा बिन मतलब के सर, आतंकवादी है सर, आतंकवादी कर सकते हैं, ये छात्र मारता है सर, प्रशासन खुद मारता है, हम लोग क्या कुछ करेंगे, प्रशासन खुद मारता है हम लोग को, किसके पास है? ये छात्र कह रहे हैं हम कोई आतंकवादी हैं क्या, जो मुझे लगातार पिटाई किया जा रहा है, हमें मारपीट किया जा रहा है, और छात्र ये आवाज उठा रहा है। अच्छा आप बताइए, बटन टूटा हुआ था टीचर का कॉलर का, कैसे टूट गया? टीचर बोल रहे थे कि हम कॉलर पकड़ के तोड़ा, वो खुद से तोड़ा है खुद से, और क्या क्या विद्यार्थी पे मारा, हाथ भी मारा है उसपे, विद्यार्थी पे मारा, उसके बाद वो अपना जब विद्यार्थी एक्शन लिया है तो अपने पीछे भाग गया, उसके बाद कॉलर का बटन तोड़ के आया आगे, बोला कि हमको बटन तोड़ दिया है, मारा विद्यार्थी को, अब विद्यार्थी को खून बहा दिया यहाँ से, मारा चट से। देखिए छात्र लगातार कहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यार्थी अपना हक मांगेगा उसको नहीं देने का, हम लोग का जूनियर बैठा हुआ है, सब बैठ करके सब पढ़ना टर्म वर्क लिखेगा, एक्सटर्नल मास्टर के पास भयवा देगा, ठीक, तब क्या करिएगा आप, उसको 30-15 दीजिएगा, आपको आप क्या करेगा, एब्सेंट करा दीजिएगा, सबका एक साल बर्बाद हुआ है, सबका बर्बाद हुआ है, इसका कौन भरपाई करेगा? बहुत सारे छात्र जो भी आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, किसी भी प्रोफेसर का कितना सैलरी होता है, 1 लाख मिनिमम होता है, कौन पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते कोई, सब तारा मंडल में जाकर वहाँ बैठते हैं, कोई नहीं पढ़ाते हैं विद्यार्थी, हम एक सेकंड सुन रही है, 22-25 सेशन के लिए एक भी फैसिलिटियाँ नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है पानी पीने वाला मशीन, ठीक ना, क्लास से पंखा नहीं चलता है, क्लास में अभी तक बल्ब नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा, दरवाजा नहीं है, ब्लैक बोर्ड रिपेंट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कंप्लेन होता है, लाइब्रेरी में पर्याप्त मात्रा में बुक नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बुक नहीं दिया जाता है, वर्कशॉप में कौन चीज है, मशीन कुछ नहीं है, वर्कशॉप का कोई मशीन का कुछ होता नहीं है, लगातार छात्र देख लीजिए प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर के खिलाफ कि इनके पास में बहुत सारी असुविधाएं हैं, और वो असुविधाओं को लेकर यहाँ टीचर से लगातार एक साल बैक हो गए हम सब सर, 1 महीना का 2500 रुपया गार्जियन कहाँ से देता है, खून बेच के देता है हम लोग को एयर बैक कर दिया जाता है सर, कॉलेज में प्रैक्टिकल जमा करने के बाद नहीं है कॉलेज इसका बताए कौन है सर, हम लोग कब सर क्या करेंगे? अभी छात्र है जी सर, छात्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।